मुंबई माया नगरी है, ये हम सभी जानते हैं। आमतौर पर मुंबई की जब चर्चा होती है तो जहन में जिक्र आता है कि वहाँ रहने वाले लोग या वहाँ काम करने वाले लोग अलग जगहों से आए होंगे, उनके पास काफ़ी संसाधन होगा, तब जाके वो मुंबई में अपने आप को सेट कर पाए होंगे। लेकिन हमारे पीछे आप जो ये सेटअप देख रहे हैं, यहाँ ड्रेस डिजाइनिंग वगैरह का काम चल रहा है, मेकअप वगैरह का काम चल रहा है, और उनका बैठी हुई एक लड़की आप देख रहे हैं। मैं बता दूँ कि यह लड़की पलामू ज़िले की ही हैं, पलामू के सिकसिगी की रहने वाली हैं, जो आज से कई साल पहले मुंबई का रुख की थी और इन दिनों मुंबई में ही सेटअप है। और इस फिल्म के बहाने वो 18 साल बाद कह सकते हैं कि अपने पैतृक गांव आई हैं। सबसे पहले रश्मि जी से हम बातचीत करेंगे। पलामू आपका घर है, पलामू आपका गृह नहीं कर लेते हैं, तुरंत दो मिनट का है। तो पलामू आकर सबसे पहले तो कैसा आपने फील किया, 18 साल बाद पता चला कि आप आई हैं, तो कैसा लग रहा है? 16 साल बाद आई हूँ वापस, और बहुत ही अच्छा लगता है। घर तो घर ही होता है, उसके बाद चीज़ें जो पहले नहीं थी वो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, डेवलपमेंट हो गए हैं, सब एक नया ही रुख पकड़ लिया है पलामू ने। तो मुंबई जब आप गई थी तो कैसा वहाँ का स्ट्रगल रहा, कैसे खुद को सेट किया, और अब क्या स्थिति है, वहाँ क्या कर रही हैं? स्टार्टिंग में जब मुंबई गई थी तो मैं एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के लिए कंपनी प्रोफाइल में करती थी। फिर वहाँ पे 1 ईयर जॉब करने के बाद फिर मैं शिफ्ट हुई इंडस्ट्री में। फिर इंडस्ट्री में शिफ्ट होते होते एज ए लाइक पहले असिस्टेंट में थी, असिस्टेंट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर और स्टाइलिस्ट। फिर धीरे धीरे एक एक सीढ़ी बढ़ते बढ़ते अभी मैं मेन कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के रूप में कई सारी मूवीज़, फिर वेब सीरीज़, आर्ट शूट अभी सब है और भी आगे प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ। चलिए शुक्रिया कैपिटल न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। तो ये रश्मि थी जो पलामू से चलकर आज मुंबई में एक मुकाम हासिल कर चुकी हैं और एज ए कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर खुद को वहाँ स्थापित कर चुकी हैं।